अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड जनाब आज मैं बताऊंगी कि आपने खाने के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है लाजमी रखनी है क्योंकि वहाँ जो खाना पाकिस्तानी मिलता है या इंडियन मिलता है वो महंगा होता है दस से पंद्रह रियाल के दरमियान होता है और उसका टेस्ट भी वैसा नहीं होता जैसा हम खाते हैं तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं पिक्चर्स में दिख रहे हैं आप ये लाजमी रखिएगा चार रियाल की वहाँ पर चाय होती है जो कि बहुत महंगी होती है तो आप अपने हिसाब से चीज़ें रखें कि कितने लोग हैं और कितना टाइम आपने रहना है तो आप एवरी डे के यू नो मिल्क पाउडर रखें और टी बैग्स रखें लाजमी और चीनी ज़रूर रखें वहाँ पर चीनी जो है वो तकरीबन दस रियाल की या छः रियल की एक किलो है और हमने ग्यारह रियाल के फिफ्टी आ, साशे ख़रीदे थे टी बैग्स के चूँकि हमारे पास ख़त्म हो गए थे तो इस वजह से चार रियल की चाय है तो आप चाय के लिए ज़रूर सामान रखें अपने लोगों को देखभाल करके और इसके अलावा ये सुबह के जो मॉर्निंग का यू you नो know, नाश्ता होता है उसके लिए आपने ज़रूरी है कि आप आप जो है वो पापे वगैरह कुछ रख लें मक्खन रख लें वहाँ पर मक्खन छोटे बड़े भी मिलते हैं छ रल के दस रल के आठ रयल के और इस तरह से अगर आप बच्चे जली खाते हैं वो रख सकते हैं चक्र एसपेट खाते हैं वो रख सकते हैं तो आप सारी इस तरीके की चीज़ें आराम से रख सकते हैं और आपको चाहिए भी कि ये लाजमी रखें क्योंकि ये चीज़ें आप बारह घंटे का जदम पहुँच रहे तो वो खराब नहीं होती हैं ठीक है तो लाजमी है कि ये सारी चीज़ें रखें इसके अलावा दवाइयाँ जरूर रखें आ, ऐसे पायल हो गया कॉन्स्टिपेशन जो भी खांसी की शरबत कॉन्स्टिपेशन दांत के दर्द की गोली या नज़ले बुखार की गोली वो लाजमी रखें लेकिन ऐसे ओपन ही नहीं रखें कहीं बीच में बैग में जगह बना के वहाँ रखिएगा वहाँ बहुत ज़रूरी है खाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि खाना वहाँ पे तकरीबन दस रियाल पंद्रह रियाल के इस तरह से होता है रोटी आपको एक रियाल में दो मिल जाती है कभी कभी रोटी फ्री भी मिल जाती है तो इस तरह से लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप टेन पैक फूड या तो अपना खाना बनवाएँ उसको फ्रीज करें उसको पैक में पैकेट कराएँ अदरवाइज़ आपने टेन पैक फूड लाजमी लेने मैंने यहाँ से मज़ेदार हलीम से लिए थे और लाल खे, लाल किला से लिए थे एयरपोर्ट पर भी दो शॉप्स हैं बहुत बड़ी बड़ी वहाँ से मैंने लिए थे तो हमारे काफ़ी दिन चले थे और वहाँ से हमने दही वगैरह ख़रीद लिया था और फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे खीरा ले लिया था तो उसकी कीमतें भी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो बनानाज हैं वो आठ रियाल पर केजी के के हिसाब से मिलते हैं और अंगूर जो थे वो भी खाए थे हम लोगों ने अंडे लिए थे हमने कोई पाँच रियाल के छः लिए थे और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं और मैं बिल्कुल अलग सेपरेट सी वीडियो बनाऊँगी जो कि जिसमें ये पता चलेगा कि आप वहाँ से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात यह है कि आप खाना वहाँ से करें टिन पैक फूड जो मेरी वीडियो है यूटेंसिल्स रखने की सामान रखने की उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आपने केटल में खाना पानी गर्म करना है बहुत ज़्यादा और उसके बाद एक स्टील की पतीली में उस पानी को पलट देना है और टेन पैक फूड उसमें रख देना है टेन पैक फूड के दो साइज़ होते हैं छोटा होता है बड़ा होता है तो लाजमी आप मैं कहती हूँ अगर आप बीस दिन के लिए जा रहे हैं पंद्रह दिन के लिए जा रहे हैं आप सारा टेन पैक फूड रखें और वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत ही यू नो बर्गर वगैरह मिलते हैं वो खाएँ वो ट्राई करें अदरवाइज मंदी मिलती है वो एक बार ट्राई कर लें लेकिन आप रोजाना नहीं खा सकते ये सारी चीज़ें तो इसलिए जरूरी है कि आप बाहर से जो है वो सारी चीज़ें खाएं और उसमें इंजॉय करें तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो चाय का सामान और टेनपै फूट लाजमी रखना है आप सब लोगों ने अगर आप चाहते हैं कि आपका वहाँ का खर्चा बच जाए तो चार रियाल की चाय है और इस तरह से दस से पंद्रह रियाल का पीस रियाल का खाना एक टाइम में पड़ेगा तो चालीस रियल का दो टाइम में पड़ेगा इस तरह इसलिए पाकिस्तानी फूड अच्छा भी होता है और टेस्टी भी होता है तो यहाँ से बनवा लें बना ले कबाब वगैरह बनवा लें मेरी बहन ने हलवा दिया था बना के जो कि सुबह या बे वक् खाने के काम आता था तो हम रोटी वगैरह से उसको गर्म करके खा लेते थे कबाब गरम करके खा लेते थे केचप से खा लेते थे कैचअप और मेयोनीज वगैरह लाजमी रखे थैंक यू बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी वीडियो आपने बाजरा भी लाजमी रखना है बाजरा वहाँ कबूतरों को मक्का मंदिर में डालने के लिए वहाँ पाँच दस रियाल का होता है तो वो आपने लाजमी रखना है और वहाँ पे लोग मैंने बहुत अच्छा कल्चर देखा है कि वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ें भी बांट देते हैं ठीक है तो इस तरह से आपने अगर यहाँ पर आप कुछ टिक्की पैक्स वगैरह साशे वगैरह कुछ लेके जाएँ बिस्किट वगैरह के और वहाँ बांट दें तो बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है या खजुरी वगैरह लोग वहाँ से ख़रीदते भी बहुत सारी चीज़ें बांट रहे होते हैं बंद वगैरह होता है और आपने ये सारी चीज़ें लाजमी रखनी है बाजरा अगर लेके जाना चाहें आधा आधा किलो रखने एक एक किलो रख लें लेकिन जरूर रखें और वक्त बेवक भूख लगती है तो उसके लिए मैगी और स्नैक्स वगैरह कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बिस्किट्स हो गए केक्स हो गए वो बेकरी के केक्स हो गए वो थोड़े हैवी होते हैं तो इस तरह की चीज़ें लेके आप आराम से रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं बापे आप रख सकते हैं खराब नहीं होते हैं ना सीलते हैं ना कुछ होता है ये बहुत सेफली अगर वहाँ से पहुँच जाते हैं तो सुबह नाश्ते के लिए आपको भागम दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है तो आपने बस जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह करके निकलना ही होता है नमाजों के लिए क्योंकि नमाजें रह जाती हैं फिर इस चक्कर में तो बताइएगा কৈছে লাগে মেৰি বিডিঅ'